हमारे साथ हैं उत्तर पूर्व जिला के सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? कार्यालय खोला है, एक बीजेपी की बुनियाद रखी गई है यहाँ पर चांदबाग से, दंगे भी हुए थे यहाँ पर, कैसे देखते हैं? लोगों ने, नफरत के सौदागरों ने दंगा करके इस क्षेत्र को भयभीत करने का काम किया था। हमारा काम सभी समाज के सभी लोगों को जोड़ना है, उनके अंदर से भय को समाप्त करना है, और यहाँ हमने कार्यालय खोल करके सभी धर्मों को आपस में एक जगह रख के उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, और जो लोग नफरत के सौदागरों ने जो भय का वातावरण पैदा किया था, हम उसको प्रेम और भाईचारा का वातावरण बनाएंगे। काफ़ी परिवार ऐसे छोड़ छोड़ के जा रहे थे, प्लान कर रहे थे हाल ही में, कुछ महीने पहले, कैसे देखते हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी को नहीं, किसी को डरना नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा में है और आपका सांसद आपके बीच में है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। पेट्रोल पंप में आग लगा दी थी, पेट्रोल पंप के सामने हम खड़े हैं, कैसे देखते हैं? काफ़ी चहल पहल काफ़ी हो चुकी है उस दौरान के बाद भी, उस दौरान में यहाँ कोई आता नहीं था, लोग आवाजाही नहीं करते ना। अब यहाँ सीना तान के मैं खड़ा हूँ, सभी धर्म के, सोच के, विचार के लोगों का सम्मान होगा, सबकी समस्याओं का निदान होगा, और जो अपराधी लोग हैं उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। कितना शुभ मानते हैं इस ऑफिस, आज का उद्घाटन हुआ ऑफिस का, मोदी जी की मन की बात भी सुनी गई यहाँ से, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और अब हर मन की बात यहाँ पे होगी जरूर। एक सुशांत सिंह राजपूत से सवाल है कि सीबीआई जांच कैसी चल रही है, क्या कहना चाहते हैं? उसमें मुझसे कुछ मत बुलवाइए, जो अपराधी लोग बिलबिला रहे हैं बिलबिलाने दीजिए, सीबीआई अपने सत्य पे पहुंचेगी, हमें विश्वास। एक ड्रग्स का मामला सामने आता है बार बार, बॉलीवुड में यूज होती है ड्रग्स, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी मामले हैं इस समय, जो नारकोटिक्स विभाग भी आ गया है, ईडी भी आ गई है, अभी समस्याओं के तह में जाने दीजिए। जो अपराधी परेशान है ना, उनको सजा होने तक अभी हम सिर्फ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।